हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विनय, कुकिंग फार्मूला क्रिएटर। वॉच एंड कुक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वॉच एंड कुक चैनल की ओर से आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रहा हूं, तो ये रेसिपी स्पेशली दुर्गा पूजा के लिए मैंने ये बनाया है। तो आप पंचमी से लेके नवमी तक आप ये रेसिपी घर में बना सकते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगा इस रेसिपी में। तो इस रेसिपी का नाम है ड्राई कोकोनट चना दाल रेसिपी। तो स्टार्ट कर रहा हूं। ये यहाँ पे मैंने लिया है चना दाल, ये रात में भिगो के रखा है मैंने। इसे पानी डाल के, पानी ज्यादा ही डालिए, इसे भिगो के रखा है, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए। और मार्केट से खरीदते समय थोड़ा क्वालिटी आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा क्वालिटी दाल होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं अभी डालूंगा मूंग का दाल। मूंग दाल मैंने डाला, मैंने बोला था ना कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊंगा इस रेसिपी में। तो ये देखिए, मूंग का दाल मैंने डाला है। मूंग का दाल इसलिए डाला है, गाढ़ा होने के लिए इसमें मैंने मूंग का दाल डाल दिया। और अगर आप मूंग का दाल यूज नहीं करते तो आप इसमें लास्ट में आपको आटा डालना पड़ता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में डाला और सीटी ज्यादा, सीटी कम नहीं, 10 सीटी डालना है। और यहाँ पे देखिए, तड़का लगाने के लिए ये सब रेडी कर लिया मैंने है। ये पाँचफोरन है, ये इसके बाद तेज पत्ता है, अदरक है और सूखा मिर्च है और हरी मिर्च है, चीनी भी है साथ में। ये सब हम रेडी कर लेंगे यहाँ पे, मिक्स्ड घोल बना लेंगे दाल के साथ। मिक्स करने के लिए मैंने नमक डाला है और सूखा मिर्च पाउडर भी डाला, हल्दी पाउडर डाला मैंने और जीरा पाउडर। उसके बाद पानी डाल के रेडी कर लेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, मतलब जल्दी होता है और जो बैलेंस जो है सही रहता है, इसलिए ऐसे कर लेने से अच्छा है। एक बात मैं रिपीट करूंगा, आप चने के दल में ना आप सीटी ज्यादा देना पड़ता है इसमें बॉयल होने के लिए, 10 सीटी, 8 से 10। कुछ दाल है वो जल्दी गल जाता है, लेकिन कुछ दाल है थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 10 दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा। ये देखिए, इतना गाढ़ा हो गया है। और तो थोड़ा सा मैंने मूंग का दाल भी डाला गाढ़ा होने के लिए। इसमें डालना है कि अदरक क्रश करके डाला मैंने, दाल में डाल दिया है। देखिए, मिर्च डाल रहा हूं मैं, ग्रीन चिली जो है हरा मिर्च डाल दिया। अब मैं जो घोल बना के रखा था ये डाल दिया मैंने। देखिए, अलग अलग तरीके होता है। मैं जो है, मेरा फॉर्मूला है, और एक भी है चने दाल का, और एक फॉर्मूला है, वो भी डाल दूंगा मैं, उसका अलग है, वो अलग है। दाल एक ही लेकिन टेस्ट में बहुत अलग है, वो भी अलग है, ये अलग। तो ये पूजा के लिए ये परफेक्ट है, कोई भी पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, पूजा के लिए परफेक्ट है। अब मैं डाल रहा हूं ड्राई कोकोनट। द इम्पोर्टेंट बात मैंने बोला था ना, ये ड्राई कोकोनट, ऐसे को जो कोकोनट है उसमें वो क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, कौन ये घर में लाएगा, कौन काटेगा, ऐसे करके प्रॉब्लम होता है बहुत। आप एक काम कीजिए, मार्केट से ड्राई कोकोनट खरीद लीजिए। ड्राई कोकोनट ये ऐसे लाके मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लीजिए, ऐसे पाउडर मतलब चॉपिंग करना है ये।
और कुछ काट के भी डालेंगे इसमें टुकड़ा, मतलब छोटे छोटे ऐसे करके, तो दोनों का टेस्ट अलग हो जाएगा, इसका भी टेस्ट मिलेगा आपको, उसका भी टेस्ट मिलेगा। ये देखिए, ये तो मिक्सर ग्राइंडर में मैंने कर लिया है, और दिखाऊंगा मैं, और कुछ ऐसे छोटा छोटा पीस करके अब ऐसे डालना है दाल में। ये देखिए ऐसे करके, ये अच्छा लगता है पीस पीस में, मतलब ये अलग एक साथ स्वाद देते हैं इससे। ये देखिए, इसलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट बात ये दोनों। अब मैं डाल रहा हूं तेल डाल के कढ़ाई में, मैं सूखा मिर्च डाल दिया है, सूखा मिर्च। अगर आप मूंग दाल यूज नहीं करते करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा आपको, लास्ट में 2 चम्मच आटा ऐसे पानी डाल के ऐसे दाल में डालना पड़ता है। तो वो फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया, मैंने मूंग दाल डाल दिया है, वो आटा का काम इसी हो जाएगा, मूंग दाल से हो जाएगा इस मतलब। अब मैं डाल रहा हूं 5 फोरन, 5 फोरन ये 5 तरह का मसाला वाला है। तो जो भेज आइटम है, भेज आइटम आइटम में ये यूज होते ज्यादा। तेज पत्ता डाला मैंने, पचपुरों में 5 तरह का मसाला होते हैं। अब जो दाल मैंने दाल में वो मसाला डाल के रखा था ना, वो मैंने डाल दिया धीरे धीरे, एक साथ आप मत डालिए, पहले थोड़ा सा डालिए फिर थोड़ा डालिए, नहीं तो एकदम मतलब गिरने के चांस रहता है एक साथ डालने में। पहले थोड़ा डालिए उसके बाद धीरे धीरे कंप्लीट डाल दीजिए। ये देखिए, मेरे को तो पता नहीं आप कैसे बनाते हैं दाल चने दाल, लेकिन मैं जो फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया आप ऐसे करके बनाइए। अभी मैं डाल रहा हूं, ये सब हो गया, आप लास्ट में ऐसे कोकोनट जो है दोनों एक साथ डालना है। एक साथ डाल दिया मैंने, जो टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा है ना वो भी डाल दिया, और ये भी जो पाउडर जैसा है ये भी डाल दिया। ये देखिए आपका ना है मिक्स्ड। ये जो रेसिपी आप पंचमी से लेके नवमी तक रोज आप ऐसे ये डाल रख सकते हैं आप मेनू में। तो मैंने जो जैसे दिखाया है ऐसे करके आप बना के तो देखिए कम से कम कैसा लगता है। पंचमी से नवमी तक ये आप घर में बना सकते हैं। आप डाल रहा हूं मैं चीनी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब कुछ डाल दिया है इंग्रेडिएंट, और आपका क्वांटिटी कितना चाहिए उसी हिसाब से आप बना लीजिएगा, ऐसे करके बनाइए आप। चीनी मतलब शक्कर 1 चम्मच डाला है मैंने। ये देखिए इतना बढ़िया सा बन के रेडी, ये देखिए एक गाढ़ा हो गया है पूरा। अगर आप सिर्फ चने का दाल बनाते हैं ना तो ऐसे नहीं होगा, वो पानी पानी अलग हो जाएगा, हाँ नीचे अलग होगा ऊपर अलग होगा ऐसे अलग है। लेकिन आप उसमें मूंग दाल डाल दीजिए थोड़ा सा तो ऐसे हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। लास्ट में मैं मिक्स कर रहा हूं घी, घी आप 1 चम्मच से लेके 3 चम्मच तक आप डाल सकते हैं। मैंने जितना क्वांटिटी दिखाई आपको, ज्यादा क्वांटिटी है आपका दाल का क्वांटिटी ज्यादा है तो घी भी ज्यादा, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।